ये पत्थर को ये धो के एकदम चमका दिया है, इसको हम बीच में रखेंगे। वेट करना है, ये बहुत खतरों वाला काम है। अभी हमें देखना है कि ये पत्थर फटा है कि नहीं। ऐसा लकड़ी चाहिए होगा, पत्थर चाहिए होगा। तो ये रोटी हम लकड़ी और पत्थर से बनाते हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी माता श्री और मेरी सखी मार्केट से हम लोग कुछ कुछ सामग्री लेने जा रहे हैं, आज के हमारे कुकिंग वीडियो के बहुत काम आएगा। मैं आपको मिलती हूँ सीधा किचन से और बताती हूँ आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। मैं बहुत लेजी हूँ तो मैं एक जगह यहाँ पर बैठ गई और मेरी मम्मी दही ले रही है, चिकन ले रही है। आज अलग से बहुत लेजी लग रहा है मुझे, कभी कभी होता है ना ऐसे कुछ करने का मन नहीं करता। और खाना भी इसलिए आज मम्मी ही बनाएगी, मेरा काम होगा बस वीडियोग्राफी करना और एडिट करना। तो मौसम भी इतना लेजी लेजी सा है। वो ये भी लेजी, ये भी लेजी। वेलकम टू आवर किचन। आज मेरी मम्मी बनाने वाली है नेपाली डिश। इनका नाम है मैना थापा। इनको मम्मी नहीं बुलाती, मैं इनको मैना बुलाती हूँ। तो बताइए मैना, आप क्या बनाएंगी आज? मगर रोटी और मटर का चटनी और चिकन। गाइस, ये मेरी मम्मी आज किचन में जो भी आपको बताने वाली है ना, अगर आपने ये बनाया, आपने ये खाया, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप रिग्रेट नहीं करोगे। सबसे पहले हम बनाएंगे मटर की चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए आउटेंगा। इसको हमने छील के उबाल लिया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी मुझे पता नहीं है, पर मैं नीचे लिख दूंगी, ठीक है। मटर चाहिए जिसको हमने रात में भिगो के सुबह हमने इसको उबाला है। तो ये पक चुका है, पक रहा है। हमें चाहिए सूखी लाल मिर्च और तिल भुना हुआ।
मांज ले, सुखा ले और उसको ऑयल, ऐसा ऑयल लगा ले। ऐसा लकड़ी चाहिए होगा और पत्थर चाहिए होगा। तो ये रोटी हम लकड़ी और पत्थर से बनाते हैं, बताओ। वाह, तो 10 मिनट के लिए हमें ऐसे रुकना है, सिम पे रख के गैस को। अब हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चुका है एकदम गरम और अभी रोटी डलने वाली है और एग्जैक्ट टाइम पे कॉल आ गया। तो ऐसे गोल से डालना है। वाह मम्मी, इतना सुंदर से बन गया, जानते रे। ये पत्थर इसलिए रखा गया है ताकि ये रोटी बीच में रहे और गोल बन सके। ये पहला रोटी जो है हम लोग अपनी देव को चढ़ाता है। अच्छा, रोटी और पानी गैस को चढ़ाते हैं। अब जो बनेगा वो हम खाएंगे। गोल से। वाह, इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया था। तो यहाँ के बाद जितना भी आप क्लिप देखोगे सब मेरी मम्मी ने शूट किया है अपने आप पहली बार, तो जज मत करना, एडजस्ट कर लेना। तो ये आखिरी डिश है जो हम बना रहे हैं, ये है चिकन और ये भी मम्मी के स्टाइल में। पहले मम्मी इसको सारा मसाला, प्याज, टमाटर, तेल वगैरह डाल के मैरिनेट करके रख देती है और वो दही भी उनको ऐड करना पसंद है, मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख देती है। आप कैमरा एंगल देख सकते हो और एक हाथ से मम्मी सब्जी डालते हुए वीडियो कर रही है, हाउ क्यूट। तो हाँ, बस अनियन डालना है ऑयल में, उसके बाद जो आपने मैरिनेशन करके रखा था उसको उसको ऑयल में डाल देना है। फिर उसको 10 मिनट तक पकाना है, तब तक चिकन अपना जूस छोड़ देगा, पानी छोड़ देगा। अपने ही पानी में चिकन को पकने देना है। ये प्रोसेस में कोई इंग्रेडिएंट ऐसा खास नहीं है क्योंकि आपने मैरिनेट करके ऑलरेडी रख दिया था। तो अब हमारा काम है बस इसको अच्छे से पकाना। तो जितना हो सके अच्छे से इसको टाइम दे, बीच बीच में आपको चलाते रहना है और लास्ट में गार्निश के लिए आप चिकन ऐड कर सकते हैं। घी के लिए क्या जानता मम्मी, चटनी तैयार। तो अभी हम लोग बैठेंगे और बहुत सारा दबा के खाएंगे। मम्मी ने बोला था चावल नहीं बनाएंगे, लेकिन मम्मी ने मेरे लिए चावल बना ही दिया। तो आपको लग रहा होगा कि मैं सो के उठी हूँ। हाँ, मैं सो के उठी हूँ, 1 घंटे का नैप लिया था मैंने और यहाँ पे बहुत शोर है। मैंने सोचा था खा के रिएक्शन वगैरह बातें करते करते जाएंगे, पर हो नहीं पाएगा क्योंकि इतना शोर है। हम लोग अपना मील एंजॉय करते हैं। रोटी हमें और हिकी को तो खाना बहुत पसंद आया, तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। इसलिए आप बनाना ज़रूर मेरी मम्मी की रेसिपी और थैंक यू सो मच मम्मी खाना खिलाने के लिए। आज पेट भरती भरती बोलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने बोला ना, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे अपने हम आपसे मिलेंगे मिलेंगे अपने गाइज मेरी नेक्स्ट टाइम हमारा परफेक्ट हो जाए। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।